हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है कि हम फायरबेस से वीडियो इन्फॉर्मेशन को फेच करके एंड्रॉयड एप्लीकेशन में लेके आएंगे। इससे पिछले वीडियोस में हमने वीडियोस को फेच किया था, उसमें हार्ड कोड इन्फॉर्मेशन डाला था और उस वीडियो को हमने क्या किया था, व्यू पेजर 2 के हेल्प से रिसाइकलर व्यू पेजर 2 और रिसाइकलर व्यू के हेल्प से उसे हमने स्वाइपेबल मोड में उस वीडियो को डिस्प्ले किया था। ओके, जैसे टिकटॉक या बहुत सारे लाइक ऐप हैं जहाँ पे वीडियोस को हम स्वाइप करते हैं अप की तरफ और वो वीडियोस नेक्स्ट वीडियोस वो लोड होता चला जाता है। ओके, तो इस वीडियो में हम यही करेंगे, बशर्ते इस बार जो वीडियो का इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ होगा, हमारे फायरबेस डेटाबेस में। तो देखिए, फायरबेस का एक नोड हमने बनाया है वीडियोस, और उसके अंदर V1 एक इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे ये तीनों चीज़ें दी हुई हैं, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, टाइटल दिया है और URL दिया। अगेन फिर V2 एक इन्फॉर्मेशन है नेक्स्ट वीडियो जिसका डिस्क्रिप्शन, टाइटल और URL दिया है। तो इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन यहाँ दिए हुए हैं, हमें करना क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से फेच करके अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में लेके आएंगे। और यहाँ पे बेसिकली हमें क्या किस में दिखाना है उस वीडियो को, व्यू पेजर 2 में दिखाना है, और उसका जो अडाप्टर होगा, जो हम कस्टर अडाप्टर बनाते हैं, उसमें हम रिसाइकलर व्यू अडाप्टर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बट जहाँ की बात फायरबेस रिसाइकलर की होती है तो इसका एक खुद का रिसाइकलर व्यू अडाप्टर होता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेसिकली पहले हम यहाँ ये चीज़ देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी इस इन्फॉर्मेशन को एंड्रॉयड एप्लीकेशन तक लेके आने के लिए। तो सबसे पहले तो एंड्रॉयड जिसके अंदर इस इन्फॉर्मेशन को हम दिखाएंगे, ये सपोज़ अगर ये मेरा डिवाइस है तो यहाँ पे हमें लगेगा व्यू पेजर। ओके, यहाँ पे इस ये जो कलर इसका चेंज कर देते हैं हम, यहाँ पे ये चीज़ है व्यू पेजर। ओके, व्यू पेजर 2, ध्यान रहे, व्यू पेजर 2 का इस्तेमाल हम करेंगे। अब ये व्यू पेजर 2 एक अडाप्टर क्लास, ये अपना जो सोर्स है इसका डेटा का, ये जो डेटा का सोर्स है वो अडाप्टर क्लास लेता है। तो इसके लिए हम एक अडाप्टर क्लास बनाएंगे, यहाँ पे हम एक अडाप्टर क्लास बनाएंगे। ओके, और इस अडाप्टर क्लास में इंफॉर्मेशन को हम पास करेंगे, ये हो गया हमारा अडाप्टर क्लास। इस अडाप्टर क्लास में हम इंफॉर्मेशन को पास करेंगे, मीन्स जो वीडियो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ से पास करेंगे इस अडाप्टर क्लास में। अब ये अडाप्टर क्लास क्या करेगा, ये अडाप्टर क्लास दो चीज़ें, पहला तो एक सिंगल वीडियो डिस्प्ले करने के लिए जो XML फाइल की ज़रूरत है उसे चाहिए होगा, मीन्स रॉ XML फाइल, एक XML फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, इस XML को हम पास करेंगे। ठीक है, और डेटा सोर्स पास करेंगे, एक्चुअल डेटा सोर्स। ठीक है ना, जो डेटा सोर्स हमें कहाँ से मिल रहा है इस बार, बेसिकली वो डेटा सोर्स हमें फायरबेस से मिल रहा है, ये डेटा सोर्स हमें मिल रहा है फायरबेस से। ठीक है, तो फायरबेस से डेटा पहले हम फेच करके लेके आएंगे अपने पास। फायरबेस से डेटा हमने यहाँ फेच किया एक क्वेरी चला के, इस क्वेरी का डेटा को हम कहाँ पास करेंगे, इसके अंदर अपने अडाप्टर क्लास के अंदर पास करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से बेसिकली हमें सोर्स मिल गया, सोर्स डेटा मिल गया जिसे हम पास करेंगे अडाप्टर क्लास में, और यहाँ से हमें क्या मिल गया, वो एक सिंगल वीडियो का XML डिज़ाइन, एक सिंगल वीडियो का XML डिज़ाइन कि किस तरह डिस्प्ले होगा। अब ये बेसिकली अडाप्टर क्लास क्या करेगा, इस XML का एक रन टाइम व्यू बनाएगा, मीन्स इस XML का एक रन टाइम व्यू बनाएगा और यहाँ से डेटा हर एक व्यू में फेच करता चला जाएगा। सपोज एक व्यू कैसा दिखेगा, अगर हम एक पेज एक सिंगल रो की बात करें, एक वीडियो कुछ ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे एक होल वीडियो कंटेंट होगा और वीडियो के ऊपर सपोज़ यहाँ पे हमारा टेक्स्ट होगा और यहाँ डिस्क्रिप्शन होगा इस तरह से। तो ये XML डिज़ाइन इसी को रिप्रेजेंट करता है कि एक होल वीडियो है हमारे पास, एक होल वीडियो व्यू है, उस वीडियो व्यू के ऊपर फिर एक इधर पे हमारा हेडर टेक्स्ट व्यू है और इधर एक डिस्क्रिप्शन व्यू है ना, मतलब एक टेक्स्ट व्यू जिसमें हम हेडर दिखा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दिखा रहे हैं। तो इस XML को पास करेंगे हम अडाप्टर क्लास में, और यहाँ से फिर फायरबेस के थ्रू हम एक क्वेरी चलाएंगे जो मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा, वहाँ पे इस क्वेरी को हम पास कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा क्या, डेटा सोर्स मिल जाएगा। अब इस डेटा सोर्स को भी हम पास कर देंगे अडाप्टर क्लास के कंस्ट्रक्टर में। अब ये अडाप्टर क्लास क्या करेगा, यहाँ से एक सिंगल डेटा उठाएगा, इस तरह से एक सैम्पल पीस उठाएगा,
और यहाँ से जो डेटा सोर्स जा रहा है, ये जो डेटा सोर्स जा रहा है उस डेटा सोर्स को इसके अंदर फीड करेगा। फीड करने के बाद ये डेटा कहाँ पास कर दिया जाएगा, ये पास कर दिया जाएगा व्यू पेजर टू को, ये पास कर दिया जाएगा व्यू पेजर टू को। फिर नेक्स्ट यहाँ से सोर्स डेटा उठाएगा, यहाँ से सोर्स डेटा उठाएगा और XML जो भेजा गया है उसके लिए एक रन टाइम व्यू बनाएगा और फिर वहाँ से डेटा निकाल के इस व्यू में पुटअप करेगा। मतलब जो डिज़ाइन मैंने एक सिंगल के लिए दिया है वो डिज़ाइन में डेटा फीड करके फिर इसे पास कर दिया जाएगा व्यू पेजर टू को। भैया आपका नेक्स्ट स्लाइड इस तरह से क्या करेंगे, डेटा सोर्स से डेटा उठाया जाएगा और XML में डेटा फीड करके आगे पास कर दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस काम करता है एडाप्टर, और ये पूरा करता कौन है, एडाप्टर। तो एडाप्टर इस तरह इटरेटिवली घूमेगा, सोर्स डेटा से डेटा पिक करेगा और आगे प्रोसीड करेगा। तो ये जो यहाँ से सोर्स डेटा आएगा ना, उस डेटा को होल्ड करने के लिए एग्जैक्टली मेरे पास चाहिए एक मॉडल क्लास, है ना। क्योंकि यहाँ से सोर्स डेटा में मल्टीपल टाइप्स के डेटा इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है और URL है। तो इन तीनों को आप एक साथ कैसे स्टोर करोगे, तो इन तीनों को एक साथ स्टोर करने के लिए यू नीड अ क्लास विच कंटेन डिस्क्रिप्शन, टाइटल एंड URL। तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आएंगे उस इन्फॉर्मेशन को हम कहाँ स्टोर करेंगे, इसी क्लास में, इसका टाइप, इसी टाइप के क्लास के इन्फॉर्मेशन में स्टोर करेंगे। तो ये आपको एक मॉडल क्लास बना के यहाँ इसको इसी में आपको पास करना है, ये आपको कोड में मैं दिखाऊंगा। और यही मॉडल क्लास का एक इन्फॉर्मेशन एडाप्टर क्लास के फायरबेस के रिसाइकलर व्यू के एडाप्टर में जाता है। ये कोड ज़्यादा बेटर क्लियर होगा जब मैं अभी आपको कोड करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो बात शुरुआत होती है सबसे पहले इधर से, हमें क्या चाहिए होगा, एक व्यू पेजर टू चाहिए होगा। तो इसके लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हम ग्रेडल फाइल में चलते हैं। ग्रेडल फाइल में देखिए हमने क्या क्या डिपेंडेंसीज ऐड किए हुए हैं। सबसे पहले तो व्यू पेजर टू का डिपेंडेंसी है, उसके बाद हमने इस प्रोजेक्ट को फायरबेस डेटाबेस से कनेक्ट कर रखा है, इसलिए फायरबेस का डिपेंडेंसी ऐड है। इसके फायरबेस के प्लेलिस्ट में जितने वीडियोस मैंने बनाए हैं लमसम सारी वीडियोस में फायरबेस से किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह कनेक्ट करते हैं अपने एप्लीकेशन को, वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। आप प्लीज़ वो सारे वीडियोस देखिए और एप्लीकेशन को किस तरह फायरबेस से कनेक्ट करते हैं काइंडली वहाँ पे वो चीज़ें क्लियर कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये दो चीज़ें किस लिए लगेंगी, जब हम अपने एप्लीकेशन को फायरबेस से कनेक्ट करेंगे। फायरबेस से जैसे ही आप कनेक्ट कर लोगे तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे बेसिकली चलिए आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। टूल्स में देखिए आपको फायरबेस है, फायरबेस आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फायरबेस, मेरे एक्टिव देखिए फायरबेस है, मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है अपने एप्लीकेशंस को। बेसिकली दिस रियल टाइम डेटाबेस सेव एंड रिट्रीव। तो क्या है कि देखिए ये कनेक्टेड है ना, ये कनेक्टेड और ये डिपेंडेंसीज एडेड है, इसलिए यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये कनेक्टेड है। तो और कुछ भी नहीं चाहिए, बस अपने 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 इस एप्लीकेशन को आपको यहाँ से कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद सेकंड ऑप्शन क्या होता है, प्रोजेक्ट सेटिंग में जब आप जाइएगा तो यहाँ पे क्या देखिएगा कि वो एप्लीकेशन का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगा, जो एप्लीकेशन इस फायरबेस से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे उस एप्लीकेशन पे क्लिक करके ये JSON फाइल यहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ प्रोजेक्ट में जाना है और उसे अपने ऐप के अंदर SRC फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देना है, जो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। इसे वापस एंड्रॉयड में कर लाते हैं। तो ये हो गई इसकी बात, कनेक्शन की बात। उसके बाद ये वाला UI डेटाबेस, ये एक एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे यूज़ करना है, जब भी आप फायरबेस इस्तेमाल करोगे तो आपको वो चीज़ लगेगा। चलिए ये वाला लिंक हमें लगेगा, देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट चले गए फायरबेस को, जब हम कम्युनिकेट करेंगे फायरबेस के रीसाइक्लर व्यू को, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ डेटा यूजिंग रीसाइक्लर व्यू, तब हमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो सबसे पहले ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ये वाला चीज़ देखिए, इसे हम यहाँ से पिक करेंगे और अपने मेन एक्टिविटी में जाते हैं। तो पहले तो हम यहाँ व्यू पेजर ले आते हैं, ये लिंक हम यहाँ एज इट इज़ खोल के रख लेते हैं, आपको दिखाएंगे उसका बाद में। सबसे पहले तो आप व्यू पेजर का इस्तेमाल करो, तो व्यू पेजर टू हम ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। विथ मैच पेरेंट, हाइड भी मैच पेरेंट, एक ID ले लेते हैं, ID व्यू पेजर, ID व्यू पेजर, या फिर इसका नाम बस व्यू पेजर रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइन में चलते हैं, ये हमारा है, इसका हम क्या करते हैं कॉन्स्टेंट्स चारों साइड सेट कर लेते हैं, ये हमारा कॉन्स्टेंट सेट हो गया। अब कोड देखिए, ये आपका व्यू पेजर डन हो गया।
मेन एक्टिविटी में आना है। वीपीजेट टू का हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बना रखा है, यहाँ पे आपको क्या करना है सिर्फ उसकी टाइप कास्टिंग कर देनी है। तो वीपीजेट टू में जाते हैं, फिर यहाँ से हम वीपीजेट टू फाइंड वी बाई आई डी और आर डॉट आई डी डॉट वी पेजर, ठीक है। चलिए ये भी काम हो गया। और एक काम करना है कि आपको जो वीडियो स्वाइप करना है वो वर्टिकली करना है या हॉरिजॉन्टली करना है, वो आपको यहाँ पे ओरिएंटेशन डिसाइड करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, वर्टिकल करना है, तो हमने ओरिएंटेशन वर्टिकल कर रखा है। तो अब जो वीडियो डिज़ाइन होगा वो कैसे होगा, अप की तरफ होगा, ठीक है, मतलब वर्टिकल सेक्शन में होगा। अब आ जाते हैं इधर, यहाँ आ गए। अब नेक्स्ट यहाँ डायग्राम में देखिए, नेक्स्ट अपने को लाना है डेटा। पहले तो वो डेटा हमें फायरबेस से लेके आना है। जब फायरबेस से हम डेटा लेके आएंगे तो उससे पहले आपको ना ये मॉडल क्लास तैयार रखना होगा। जैसा आपका डेटा है फायरबेस में, जो डेटा है उसके रिस्पेक्टिवली आपको ये मॉडल क्लास चाहिए होगा। तो हम फायरबेस में देखते हैं कि फायरबेस में हमारा डेटा क्या है। फीचर हम देखते हैं भाई, डेटाबेस में प्रॉपर्टीज़ जो देखते हैं वीडियोज़ के अंदर, ये कितने प्रॉपर्टीज़ हैं उसके रिस्पेक्टिवली हम मॉडल क्लास बनाएंगे। तो देखिए V1 के अंदर क्या है, DESC टाइटल और URL। तो चलते हैं अभी इधर, यहाँ पे जाते हैं, न्यू पे जाते हैं, जावा क्लास, और हम बनाते हैं वीडियो मॉडल, ठीक है ना। वीडियो मॉडल के नाम से ही हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, क्लास बना लिया। इसके अंदर जो हम वेरिएबल बनाएंगे, देखिए बिल्कुल कैसे बनाएंगे, ध्यान रहे ऑर्डर मेंटेन रखिएगा, अदरवाइज़ बाद में कोड में प्रॉब्लम होगा। DESC टाइटल और URL, तो बिल्कुल उसी हिसाब से DESC टाइटल और URL बना लिया हमने। अब क्या चाहिए होगा आपको, यहाँ पे चाहिए होगा सबसे पहले तो इसका कंस्ट्रक्टर। तो जनरेट कंस्ट्रक्टर, तीनों को हम सेलेक्ट करते हैं, ओके। ध्यान रखिए जब भी आप फायरबेस से डेटा फेच कर रहे हो और फायरबेस रिसाइकलर व्यू का इस्तेमाल करोगे, उस केस में आपको इसका ब्लैंक कंस्ट्रक्टर बनाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज डेटा फेच नहीं होगा। नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, इसका गेटर सेटर मेथड बनाना है। फिर वापस से जनरेट में चलते हैं और गेटर सेटर के पास जाते हैं, तीनों को सेलेक्ट कर लिया और ये हो गया आपका। तो ये हो गया वीडियो मॉडल डन, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं चलता हूँ इस फायरबेस के लिंक पे और इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसे यहाँ पेस्ट कर दिया। अब ये जो चैट यहाँ आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको अपने मॉडल क्लास का इस्तेमाल करना है। तो मेरा मॉडल क्लास हमने क्या बनाया, वीडियो मॉडल। तो यहाँ हम दे देते हैं वीडियो मॉडल, फिर इस चैट में भी फिर वीडियो मॉडल, यहाँ क्वेरी पास करना है और यहाँ पर फिर वीडियो मॉडल का दिस वीडियो मॉडल डॉट क्लास। अब क्वेरी पास करना, आपको क्वेरी मीन्स उस नोड का पाथ दिखाना है जहाँ से आपको डेटा उठाना है, मीन्स हमें इस वीडियोस से डेटा उठाना है ना, दिस वीडियोस। तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस डॉट चाइल्ड, और चाइल्ड में हमें क्या पास कर देना है, वीडियोस। ओके, ध्यान रहे देखिए कहाँ तक डेटा उठाना है, डेटा भाई कहाँ से, वीडियोस से। तो हमने वीडियोस को यहाँ पास कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये क्वेरी जैसे ही रन करेगा वहाँ से पूरा डेटा चल के आ जाएगा इस ऑप्शन में। अब हम अभी मैंने आपको यहाँ दिखाया ना कि वो डेटा यहाँ पे डेटा सोर्स में हमारे चला आएगा। देखिए यहाँ से फायरबेस उठा के हमने ये जो ऑप्शन है यहाँ पे रख लिया, अभी मैंने आपको कोड में दिखाया, देखिए देख रहे ना, फायरबेस रिसाइक्लर ऑप्शन। तो यहाँ भाई मेरा फायरबेस रिसाइक्लर ऑप्शन में डेटा चला आया, और उसे बनाने से पहले आपको ये मॉडल क्लास बनाना पड़ा। तो देखिए मैंने मॉडल क्लास को भी पास कर दिया आपने, ठीक है ना। तो बिल्कुल इस डायग्राम के थ्रू ही काम कर रहे हैं हम, बिल्कुल उससे अलग कुछ भी नहीं। तो इतना काम तो मेरा हो गया, ये फायरबेस का डेटा मेरा ऑलरेडी रेडी था, उसके हमने फायरबेस रिसाइक्लर ऑप्शन में फेच कर लिया, और उसके लिए जो हमें मॉडल क्लास की ज़रूरत थी वो मॉडल क्लास भी हमने बना लिया। अब इस अडाप्टर क्लास को बनाने से पहले यू नीड दैट XML, मतलब एक सिंगल वीडियो का डिज़ाइन कैसा होगा वो भी आपको चाहिए होगा, ठीक है ना। तो भाई चलिए इसे रेडी कर लेते हैं, उसके बाद अडाप्टर क्लास की ओर चलेंगे। तो ये हमें सिंगल वीडियो का XML डिज़ाइन करेंगे, मतलब एक वीडियो, होल वीडियो, एक रो कैसा डिज़ाइन होगा उसका, आपको उसका XML डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ आते हैं, अपने लेआउट XML में चलते हैं, इस पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, लेआउट रिसोर्स फाइल पे चलते हैं और यहाँ नाम देते हैं। तो इसका नाम देते हैं सिंगल वीडियो, वीडियो अंडरस्कोर रो, ओके, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा अपना टाइम बचाते हैं, XML का जो कोड है मैंने पहले से लिख रखा है, यहाँ से सिर्फ से कॉपी करते हैं और यहाँ पेश कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम ज़रा बचेगा क्योंकि डिज़ाइन में बहुत टाइम लगता है। तो इसे यहाँ से हटा देते हैं। अब ना मैं आपको डिज़ाइन दिखाता हूँ कि ये डिज़ाइन कैसा दिख रहा होगा आपको। लुक एट द डिज़ाइन, सबसे पहले क्या है, एक वीडियो व्यू है,
वीडियो बी के ऊपर ठीक बीच में मैंने एक वीडियो प्रोग्रेस बार लिया है, उसके बाद एक लीनियर लेआउट लिया है, उसके अंदर क्या लिया हमने एक टेक्स्ट व्यू लिया है विच इज़ फॉर हेडर टेक्स्ट, उसके बाद एक डिस्क्रिप्शन के एक फिर एक टेक्स्ट व्यू लिया है विच इज़ फॉर डिस्क्रिप्शन एंड नथिंग। अब बेसिकली आपको क्या ना थोड़ा ध्यान नाम याद रखना, ये वीडियो व्यू है, ये प्रोग्रेस बार है, वीडियो प्रोग्रेस बार है, देन वीडियो टेक्स्ट वीडियो टाइटल देन टेक्स्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन, ये चारों चीज़ लगेंगे। ओके, तो नेक्स्ट काम हमारा ये वाला भी हो गया, ये XML भी हो गया, अब बचा क्या, सिर्फ ये अडाप्टर का काम करना है आपको। तो चलिए चलते हैं, अब क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं पैकेज पे, न्यू पे जाते हैं, जावा क्लास, अभी हमें क्या लेना, वीडियो अडाप्टर। तो वीडियो अडाप्टर का एक क्लास बनाते हैं, और हमें पता है कि अगर आप रिसाइक्लर व्यू में काम कर रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या बनाना होगा, व्यू होल्डर क्लास। तो इसके अंदर हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास माई व्यू होल्डर, ओके, जो एक्सटेंड करेगा, किसको एक्सटेंड करेगा, रिसाइक्लर व्यू डॉट व्यू होल्डर, इसे एक्सटेंड करेगा, इसको एक्सटेंड करेगा। अब जैसे ही एक्सटेंड करेगा तो ये रेड कलर का लाइन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, और क्या करना है आपको, इसका कंस्ट्रक्टर बना लेना है। बेसिकली ये रिसाइक्लर व्यू होल्डर करता क्या है, ये जो आपका रॉ XML है उसका रेफरेंस पॉइंट करता है, मतलब इसके अंदर जितने व्यूज़ आपने बनाए हैं उन सारे को पॉइंट करेगा। तो इसके अंदर बेसिकली मेरे पास क्या है, वीडियो व्यू है, वीडियो प्रोग्रेस बार है, और बाकी दो टेक्स्ट व्यू हैं। तो यहाँ आते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं वीडियो व्यू, वीडियो भाई इसका नाम वीडियो व्यू रख देते हैं। फिर अपने पास दो टेक्स्ट व्यू हैं, तो एक का नाम हम टाइटल रख देते हैं, एक का नाम हम DESC रख देते हैं, और उसके बाद वीडियो प्रोग्रेस बार है, तो प्रोग्रेस बार P-bar। अब इनकी पॉइंटिंग आपकी, इसकी टाइप कास्टिंग हम यहाँ कर लेते हैं, सो वीडियो व्यू इक्वल टू वीडियो व्यू, ये जो आइटम व्यू है इसके थ्रू आपको सर्च करना है, फाइंड व्यू आई डी, सो R.id. वीडियो व्यू, देख लीजिए सिंगल व्यू में आपने इसके आईडी क्या दे रखी है, वीडियो व्यू ही दे रखा आपने, ठीक है, ओके डन, ये हो गया पहला। उसके बाद टेक्स्ट व्यू में चलते हैं, टेक्स्ट व्यू नॉट टेक्स्ट व्यू, उसके चलते हैं हम टाइटल, सो टाइटल इक्वल टू अगेन टेक्स्ट व्यू, और इसे भी हम सर्च कर लेते हैं आइटम से, आइटम फाइंड व्यू बाई आईडी R.id. ये हो गया हमारा क्या, टेक्स्ट वीडियो टाइटल, ओके डन। यहाँ हमारा ब्रैकेट छूट गया है, उसके बाद टाइटल में आते हैं, फिर DESC टेक्स्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन, दैट्स इट। अब क्या बच गया, जस्ट P-bar, सो P-bar इक्वल टू प्रोग्रेस बार, फिर आइटम व्यू से सर्च कर लेंगे, फाइंड व्यू बाई आईडी R.id. वीडियो प्रोग्रेस बार, डन। चलिए ये सारी चीज़ें आ गई। अब आने की बात, ये जो वीडियो व्यू हम है हमारा, इसके लिए क्या करते हैं ना, इसे इसके इनिशियलाइजेशन के लिए यही एक हम फंक्शन बना लेते हैं, इस बार यहाँ पे ही हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। तो क्या करते हैं, इसी क्लास के अंदर यहाँ पे एक और फंक्शन हम बनाते हैं, इस ब्रैकेट्स का खास ख्याल रखिएगा, इसके अलाइनमेंट्स का। तो इसके अंदर ही चलिए एक और फंक्शन बना लेते हैं हम, void set data नाम से, और इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे, किसका ऑब्जेक्ट भाई, हमारे इस मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट, कौन, हमने क्या बनाया था, वीडियो मॉडल, तो वीडियो मॉडल OBJ। अब ये जितनी सारी चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट, ये हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज कर लेंगे इस ऑब्जेक्ट से, और ये मैं बाकी जिसका एग्जैक्ट डिक्लेरेशन मैं अभी आगे दूंगा जब इसे एक्सटेंड करेंगे हम तब। तो सबसे पहले ना आप वीडियो व्यू इसको इनिशियलाइज कर लो, सो वीडियो व्यू डॉट सेट पाथ, सेट वीडियो पाथ, यस दिस वन, और यहाँ पे फिर OBJ डॉट, यहाँ से हमें क्या चाहिए, URL चाहिए, तो वीडियो का पाथ मिल गया भाई अपने को। उसके बाद टाइटल इनिशियलाइज करना, सो टाइटल डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ से फिर OBJ डॉट गेट टाइटल, ये गेटर मेथड आप कॉल कर रहे हो बेसिकली अपने मॉडल क्लास का। उसके DESC डॉट अगेन सेट टेक्स्ट, यहाँ पे फिर OBJ डॉट गेट DESC, उसके बाद फिर अपने को यहाँ पे प्रोग्रेस बार, यहाँ पे अभी इसका कोई काम नहीं है, प्रोग्रेस बार को आगे देखते हैं। अब वीडियो को प्ले करना है,
देन वीडियो व्यू, वीडियो व्यू डॉट सेट ऑन प्रिपेयर्ड लिसनर, न्यू ऑन प्रिपेयर्ड लिसनर। यहाँ पे बस अपने मीडिया प्लेयर से आपको क्या करना है, इसे स्टार्ट कर देना है। ठीक है, जब स्टार्ट जब हो जाएगा तब आपको क्या करना है, ये जो प्रोग्रेस बार है आपका पी बार डॉट सेट विजिबिलिटी, इसे आपको क्या करना है, ख़त्म कर देना। व्यू डॉट गॉन, इसे आप पहले ही डिजेबल कर देना है, मतलब ख़त्म। उसके बाद फिर वीडियो व्यू एक और इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना, सेट ऑन कंप्लीट लिसनर, न्यू ऑन, और यहाँ पे भी सेम मीडिया प्लेयर डॉट स्टार्ट। ये बात आपकी ख़त्म, यहाँ पे आपका मेथड ख़त्म, यहाँ पे आपका क्लास ख़त्म। तो ये हो गया हमारा व्यू होल्डर वाला क्लास। अब देखिए आगे, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंड करेंगे। किसको एक्सटेंड करेंगे, इस बार हम फायरबेस रिसाइक्लर एडाप्टर इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, फायरबेस रिसाइक्लर एडाप्टर, थोड़ा सा फ़र्क है रिसाइक्लर एडाप्टर और फायरबेस रिसाइक्लर एडाप्टर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस बार इसे सेलेक्ट किया, इसके अंदर दो चीज़ें पास करनी होती हैं। पहला तो मॉडल क्लास, ठीक है, तो हमारा मॉडल क्लास भाई कौन सा है, ये है हमारा वीडियो मॉडल, तो वीडियो मॉडल को पास किया हमने। और दूसरा क्या पास करना रहता है आपको, इसका व्यू होल्डर क्लास, मीन्स माई व्यू होल्डर, तो उसे आप एक्सेस करोगे वीडियो एडाप्टर डॉट माई व्यू होल्डर से। जैसे ही आप ये दोनों चीज़ें पास करोगे तो आपको ये मेथड्स इंप्लीमेंट करने का ऑप्शन देगा। तो ऑन क्रिएट और ऑन बाइंड दोनों को इम्प्लीमेंट कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद अभी भी एक चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करनी है, वो डबल क्लिक इस पर आप करो और फिर कंस्ट्रक्टर, तो ये हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया। ठीक है, देखिए ये सारे कमेंट्स वमेंट्स खुद से ही इस बार दे, पहले ये नहीं देता था, अभी देखिए। ध्यान रहे कि जब आप फायरबेस वाला रिसाइक्लर अडाप्टर इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे आपको कोई वेरिएबल देने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक अपने सुपर क्लास के वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर लेता है। ये जो वीडियो मॉडल हमने पास किया ना, ये यहीं से सब कुछ मैनेज कर लेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे इस बार ना गेट काउंट वाला कोई मेथड इंप्लीमेंट नहीं होता है। ये चीज़ रिसाइक्लर वाला से जब भी हम रिसाइक्लर अडाप्टर इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है। अब नेक्स्ट काम क्या बचा हमारा, एक सिंपली काम ये बचा, यहाँ पे जैसे हम पहले व्यू क्रिएट, यहाँ पे हम बेसिकली क्या ऑन क्रिएट में क्या करते थे, ये जो आपका XML वाला पार्ट है ना, इसे आप रन टाइम व्यू में कन्वर्ट करते हो और कुछ नहीं करते हो। तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए हम एक व्यू बनाते हैं, व्यू इक्वल टू, अब लेआउट इन्फ्लेटर की हेल्प से, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम कहाँ से भाई, सो पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट यहाँ से, और इन्फ्लेट करेंगे हम, किसको इन्फ्लेट करेंगे, जो हमारा रॉ XML है, सो रॉ डॉट लेआउट कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो आर डॉट लेआउट के अंदर वो सिंगल वीडियो वाला रो, इसका जो पेरेंट है और बाकी जो फॉल्स रहेगा, ये मिल गया हमें व्यू। अब हम रिटर्न कर देंगे ऑब्जेक्ट किसका, न्यू माई व्यू होल्डर का, और यहाँ पे इस व्यू को डाल देंगे। ये काम हो गया ऑन क्रिएट का। अब ऑन बाइंड का काम होता है बेसिकली बाइंडिंग का, तो देखिए बाइंडिंग तो हमने व्यू होल्डर के अंदर इस क्लास से कर ही दिया है ना, इस क्लास से कर ही दिया है, बशर्ते सिर्फ और सिर्फ ये जो वीडियो मॉडल है इस क्लास के ऑब्जेक्ट को पास करना। तो देखिए ये जो वीडियो मॉडल यहाँ से पास कर रहा है, इसी को तो हमने यहाँ पास किया ना सर डेटा में, तो बस उस ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे और वो ऑब्जेक्ट आएगा डेटा लेके और इसके अंदर इस होल्डर का ये जो प्रॉपर्टीज़ है इसको इनिशियलाइज कर देंगे। तो इस होल्डर के थ्रू हम पकड़ेंगे अपने माई वीडियो होल्डर के मेथड को। सो होल्डर डॉट हमने किसे पकड़ना है, सेट डेटा को पकड़ना है, पास किसको करना है, बस अपने व्यू मॉडल के ऑब्जेक्ट, तो जो हमें ऑलरेडी यहाँ पैरामीटर में मिल रहा है, हो गया मॉडल को हमने पास कर दिया, इतनी बात ख़त्म, इसमें और कुछ भी नहीं करना है। अब बात आती है मेन एक्टिविटी की, तो यहाँ से तो हमने पास कर ही दिया था, अब आपको सिर्फ क्या करना है, व्यू एडाप्टर का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो व्यू एडाप्टर, एडाप्टर के नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, यहाँ उस एडाप्टर को हम इनिशियलाइज करते हैं, एडाप्टर इक्वल टू न्यू वीडियो एडाप्टर, और उसमें इसी ऑप्शन को पास किया, देखिए ये वाला ऑप्शन,
अभी मैंने क्या बताया था ना आपको कि यहाँ पे सोर्स डेटा हमें मिलेगा, उसके लिए सोर्स डेटा को हम पास कर देंगे अडाप्टर में, और वहाँ पे हमें मॉडल को भी पास करना रहेगा, और इसके अंदर जो आप माई व्यू होल्डर क्लास है उसे भी आप पास करते हो। तो माई व्यू होल्डर के अंदर बेसिकली इस XML का रॉ XML को हम डायनेमिक व्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो जो हमारा ये अडाप्टर होता है, फायरबेस वाला जो अडाप्टर होता है, उसमें मॉडल क्लास और ये रॉ व्यू होल्डर दोनों पास किया जाता है। तो देखिए वही चीज़ हमने यहाँ पास किया ना, अपने इसे सेमी कॉलम कर देते हैं। देखिए व्यू अडाप्टर में हमने क्या किया, व्यू मॉडल पास किया है और ये व्यू होल्डर दोनों को पास किया है। उसके बाद इसके इम्प्लीमेंट्स मेथड को इम्प्लीमेंट कर लिए, तो ऑन बाइंड और ऑन क्रिएट हमें मिल गया। व्यू अडाप्टर का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया। व्यू अडाप्टर देखिए आपने यहाँ से बेसिकली भेजा है ना ऑप्शन, ये ऑटोमेटिक यहाँ पकड़ लिया उसको, फायरबेस रिसाइक्लर ऑप्शन, व्यू मॉडल जो हमने क्लास पास किया और ये ऑप्शन, तो ये चीज़ यहाँ पे ये खुद ही कर लेता है। तो यहाँ पे आपको कोई अलग से वेरिएबल नहीं बनाने, जो वेरिएबल जो वहाँ से जो डेटा आ रहा है वो इस क्लास का वेरिएबल में जाके मेम्बर वेरिएबल स्टोर होगा, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये खुद ही कर लेता है। ऑन बाइंड में हमने बाइंडिंग कर दी और ऑन क्रिएट में हमने उस XML का रन टाइम व्यू क्रिएट कर लिया, और इसका आइडिया हमें पहले से ही है। अब मेन एक्टिविटी में बस अपना अडाप्टर रेडी हो गया। अब अपने को क्या करना है, व्यू पेज 2 में जाने हैं और यहाँ से जाके सेट अडाप्टर और इस अडाप्टर को यहाँ पास कर देना है। बन गई बात। दो चीज़ें आपको और एक्स्ट्रा करनी है, तो इसके लिए इस लिंक पे जाइए और यहाँ देखिए ये ऑन स्टार्ट और ऑन स्टॉप, इन दोनों में आपको अडाप्टर को स्टार्ट करना पड़ेगा, लेसन और स्टॉप। तो ऑन क्रिएट के बाहर निकलिएगा और इसे कॉपी कीजिएगा। ये जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट आया मैं इसे हटा देता हूँ, और यहाँ पे अडाप्टर, ये जो अडाप्टर है ये नाम सेम होना चाहिए जो आप बना रहे, इसलिए हमने इसे बाहर में डिक्लेयर किया ताकि ये अडाप्टर यहाँ पे भी एक्सेस किया जा सके। तो अडाप्टर स्टार्ट लिसनिंग, अडाप्टर स्टॉप लिसनिंग। तो हो गया सब कुछ बात बिल्कुल क्लियर। तो एक बार हम इस डायग्राम के थ्रू रिव्यू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक व्यू पेजर 2 का ऑब्जेक्ट ये बनाया, व्यू लिया, और उसके बाद मेन एक्टिविटी में उसकी टाइम कास्टिंग कर दी। नेक्स्ट अपना काम क्या था, फायरबेस से डेटा उठाना। तो यहाँ पे फायरबेस से डेटा किस में उठाते हैं, हम फायरबेस रिसाइक्लर ऑप्शन में। और यहाँ पे जब आप फायरबेस रिसाइक्लर ऑप्शन बनाओगे, यू नीड अ मॉडल क्लास जिसका वेरिएबल बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा आपके फायरबेस में प्रॉपर्टीज़ में है, नोड के प्रॉपर्टीज़ में। तो DESC टाइटल URL, तो बिल्कुल उसके रिस्पेक्टिवली हमने अपने मॉडल को बनाया है, वीडियो मॉडल। देखिए यहाँ पे क्या है, DESC टाइटल और URL, उसी के हिसाब से ये अगर इधर उधर होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एग्जैक्ट व्यू को उसका रिस्पेक्टिव वैल्यू नहीं मिलेगा तो एरर ज़रूर होगा, जिसे फिर आइडेंटिफाई करने में बहुत मुश्किल होगा। तो बेटर ऑप्शन ये है, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप बिल्कुल उसी ऑर्डर में रखिए जिस ऑर्डर में आपका रिसाइकल फायरबेस में डेटा पड़ा हुआ है। तो ये वीडियो मॉडल भी बन गया, और इस वीडियो मॉडल को मैंने यहाँ 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 पास कर दिया। पास करने के बाद आपका जो नेक्स्ट काम है वो सिंगल रो XML को डिज़ाइन करना। सिंगल रो XML डिज़ाइन हो गया हमारा। अब आते हैं सीधे वीडियो अडाप्टर क्लास में। वीडियो अडाप्टर क्लास में आने के बाद सबसे पहले तो आपको उसका व्यू होल्डर क्लास बनाना है, जहाँ पे रेफरेंस हमने लिए XML के, यहाँ पे उसकी टाइप कास्टिंग की। इनिशियलाइजेशन भी आप यहीं कर सकते हो, बशर्ते हमने एक अलग सा मेथड ले लिया है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वीडियो मॉडल के ऑब्जेक्ट से सारे को इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, क्योंकि जो हमारा डेटा वहाँ से रिसाइक्लर ऑप्शन में जो आ रहा है, अल्टीमेटली ये डेटा स्टोर कहाँ होगा, वीडियो मॉडल्स में ही होगा, है ना। वीडियो मॉडल के टाइप का फायरबेस रिसाइक्लर ऑप्शन एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है, तो इसका एक सिंगल ऑब्जेक्ट तो वीडियो मॉडल का ही ऑब्जेक्ट है ना, तो वो सिंगल ऑब्जेक्ट यहाँ पास किया जा रहा है ऑन बाइंड व्यू होल्डर में। अब ये क्या होगा, ये इटरेट होगा, एक लूप की तरह घूमेगा, तो उस फायरबेस रिसाइक्लर ऑप्शन में से, विच इज़ द कलेक्शन ऑफ वीडियो मॉडल ऑब्जेक्ट, वहाँ से एक वीडियो मॉडल ऑब्जेक्ट उठाया जाएगा और वहाँ से उस डेटा को ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे हम, कहाँ पे, से डेटा में, और उस ऑब्जेक्ट से डेटा को उठा के यहाँ जो हमारा रेफरेंस जो हमने डायनामिक व्यू यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं हम ऑन बाइंड व्यू होल्डर में, क्रिएट व्यू में, इसके अंदर इस XML से जो व्यू बन रहा है उसके अंदर उस डेटा को फीड कर दिया जाएगा। वो फीडिंग का काम कहाँ होगा, ऑन बाइंड व्यू होल्डर में, और ऑन बाइंड व्यू होल्डर में मैंने मेथड को कॉल किया सेट डेटा, और सेट डेटा देखिए आपका यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट हमें मिल गया, वो सिंगल ऑब्जेक्ट जहाँ से डेटा उठा के इसके अंदर फीड कर दिया जाएगा, जो कि हमने फीड कर दिया। अब बस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए हमने दो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लिया। अब मेन में आएंगे, मेन में अगर हम अडाप्टर को यहाँ से कॉल करते हैं और इस ऑप्शन को यहाँ से हम पास करते हैं, उसके बाद इस अडाप्टर को हम व्यू पेजर 2 में इनिशियलाइज कर लेते हैं। आपको दो अलग मेथड ये दो इनिशियलाइज करने हैं अगर आप फायरबेस रिसाइक्लर अडाप्टर इस्तेमाल कर रहे हो तो, जहाँ पे आपको ऑन स्टार्ट में अडाप्टर को स्टार्ट लिसनिंग करना है और ऑन स्टॉप में स्टॉप लिसनिंग करना है।
बस बात हो गई ख़त्म। अब हम इसे रन करके देखते हैं कि ये किस तरह से रन कर रहा है। ओके तो देखिए हमारा प्रोजेक्ट रन कर चुका है, यहाँ हम देख रहे हैं। और ये जो डेटा इस बार आया है कहाँ से आया है, ये आया है हमारा डेटा फायरबेस से। ओके तो ये पहला वाला वीडियो आ चुका है, अभी हम यहाँ पे सेकेंड वाला इस तरह से फेच करते हैं। और ये जो स्पीड है ये डिपेंड करता है आपके नेटवर्क स्पीड पे प्लस वीडियो व्यू का बफरिंग पे, ठीक है। तो इस स्पीड को हम आगे नए वीडियोस में और भी फास्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम अदर न्यू डिपेंडेंसीज। और फिलहाल तो यहाँ हमने बेसिकली यही टारगेट में देखा है कि किस तरह से इन सारे वीडियोस को हम फायरबेस से लेके आते हैं और किस तरह से उसे स्वाइपेबल मोड में विद द हेल्प ऑफ व्यू पेजर 2 के हेल्प से डिस्प्ले करते हैं। तो इस तरह से आप एक एक वीडियो टिकटॉक की तरह स्वाइप कर सकते हो और नया वीडियो क्या होगा लोड होता चला जाएगा। देखिए दिख रहा है ये, फिर ये तो ये सारे इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रहे हैं, फायरबेस से आ रहे हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन आप दूसरे सर्वर से हमने नहीं लिया या स्टैटिक नहीं लिया, इस बार डेटा सारा डेटा हमने कहाँ से लिया है, फायरबेस से लिया। तो होप कि ये एंटायर कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया हो, ये किस तरह से डेटा वीडियोस को हम फेच कर सकते हैं फायरबेस से विद अदर इन्फॉर्मेशंस, और किस तरह से यहाँ पे फायरबेस का बेसिकली जो रिसाइकल अडैप्टर है उसे किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।